आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप यस बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ना ही आपको यस बैंक के एटीएम मशीन पर जाने की जरूरत पड़ेगी। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से यस बैंक के डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि आप इसके लिए ना तो मोबाइल बैंकिंग और ना ही नेट बैंकिंग का यूज करेंगे, बस आप अपने मोबाइल फोन से डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप यस बैंक के डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यस बैंक में ऑनलाइन डेबिट कार्ड का पिन जनरेशन करने के लिए आपको यस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में आपको सर्च करना है yesbank.in या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे आप यस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए राइट साइड में एक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ मेनू ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर यस ऑनलाइन पर टिक रहेगा, अगर टिक नहीं है किसी दूसरे में रहेगा तो आपको यस ऑनलाइन पर टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू यस ऑनलाइन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने यस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पेज आ जाएगा। यस बैंक के डेबिट कार्ड का पिन बनाने के लिए आपको यस बैंक का इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप नीचे साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, जनरेट रीजनरेट क्रेडिट कार्ड पिन, जनरेट रीजनरेट डेबिट कार्ड पिन, क्लेम मनी। यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों का पिन बनाने के लिए ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर हम डेबिट कार्ड का बनाएंगे। तो जनरेट रीजनरेट डेबिट कार्ड पिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन बताई गई है और यहाँ पर आपको स्टेप बताए गए हैं कि कैसे आपको अपने डेबिट कार्ड का पिन बनाना है। तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन मिली है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर प्रोसीड का बटन मिलेगा, प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड पिन जनरेशन का आपके पास पेज आ चुका है। सबसे पहले आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी होती है। अगर आपको कस्टमर आईडी नहीं पता है तो नो योर कस्टमर आईडी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो आपके नंबर पर कस्टमर आईडी सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी डालनी है, उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा। सबसे पहले आप अपना ईयर चूज कर लेंगे कि आपका ईयर कौन सा है। यहाँ पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं ईयर को, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपका ईयर आ जाएगा। तो यहाँ से आप पहले अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ पर क्लिक करना है। यहाँ से आप अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप अपना डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको एक टिक मार्क दिख रहा है, रजिस्टर फॉर नेट बैंकिंग। अगर आप तुरंत ही नेट बैंकिंग में रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क कर देंगे, आपके सामने नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। मैं इसकी अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप नेट बैंकिंग में कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालनी होती है। यहाँ पर आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दे सकते हैं और यहाँ पर जो आपका फिजिकल डेबिट कार्ड रहता है वो भी। हमने जब ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया था तो अकाउंट ओपनिंग के 2 दिन के बाद आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड आपका ईमेल पर रिसीव हो जाता है और जो उसका पासवर्ड होता है तो आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाता है। और पासवर्ड हम आपको बता दें तो जो आपका पासवर्ड रहता है तो आपका कस्टमर आईडी और आपके डेट ऑफ बर्थ में DDMM के फॉर्मेट में रहता है। शुरू में आपको अपना कस्टमर आईडी डालना है और उसके बाद आपको DDMM अपना डेट और मंथ डालना है। और यहाँ पर जैसे ही आपका डेबिट कार्ड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले अपने डेबिट कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको इंटर न्यू पिन मिल जाएगा, तो जो आप पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को यहाँ पर डालना होता है। तो यहाँ पर हम अगर आप कीबोर्ड से करेंगे तो नहीं लेगा, यहाँ पर आपको जो वर्चुअल कीबोर्ड मिल रहा है इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम जो भी पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को यहाँ पर आपको टाइप करना होता है। तो यहाँ पर मैं पिन टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, तो हमारा पिन यहाँ पर आ गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, अगेन आपको यहाँ पर कंफर्म न्यू पिन करना होता है। तो आप यहाँ पर अगेन आप वर्चुअल कीबोर्ड ओपन करेंगे और यहाँ पर जो नंबर आपने ऊपर सेलेक्ट किया है वही नंबर आपको नीचे सेलेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर दोनों पिन डाल देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों पिन आपका ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। अगर OTP नहीं आता तो रिसेंट OTP पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वेट OTP ऑन कॉल पर क्लिक करेंगे
तो आपके मोबाइल नंबर पर कॉल आ जाएगा और कॉल के थ्रू आपको ओटीपी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर डन आ जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली रीजनरेटेड योर पिन। आपका यहाँ पर डेबिट कार्ड का पिन सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के थ्रू भी मिल जाएगा कि आपका जो डेबिट कार्ड का पिन है सक्सेसफुली जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यस बैंक के डेबिट कार्ड का पिन या फिर क्रेडिट कार्ड का पिन, वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं। ना तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा और ना ही आपको यस बैंक के ATM मशीन पर जाने का जरूरत पड़ेगा। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप डेबिट कार्ड का पिन बना लेंगे और ना ही आपको इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करने का ज़रूरत है। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं Nilesh094, या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ही फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह नॉलेजेबल एंड यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।